विशेष तिथि है, श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन। गौड़ीय वैष्णव के लिए अति आदरणीय तिथि, महाप्रभु का भी बड़ी प्रिय तिथि। जगन्नाथ जी का अगर कोई अपना फेवरेट क्या मनपसंद अपना जो कि प्रिय कोई लीला है, यात्रा है, वो है गुंडीचा मंदिर, ये जो रथ यात्रा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की भी अनेक अनेक तो लीला है, जीव मंगल के लिए, जीव उद्धार के लिए उनका ये अभिनव लीला है गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे और ये अभिनव लीला को उन्होंने प्रकाश किए। रथ यात्रा में ठाकुर जी जगन्नाथ महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में जाते हैं तो उसका पहला दिन पूर्व दिन गुंडीचा मंदिर को परिष्कार करना, परिच्छन्न करने के लिए, मार्जन करके निर्मल बनाने के लिए ये लीला है गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला। गुंडीचा शब्द का अर्थ है प्रिय, जैसा रामचंद्र की मूसा को, चूहा को हम लोग को यहाँ कहते हैं गुंडीची मूसा, और भगवान की प्रिय यात्रा रथ यात्रा जो गुंडीचा यात्रा, और उनके प्रिय मंदिर भी गुंडीचा मंदिर है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग कहते थे गुंडीचा मंदिर रस भूमि, वृंदावन के साथ समान है। इसलिए रथ यात्रा मतलब कुरुक्षेत्र से गोपियां खींच करके वृंदावन में लेते हैं, और वृंदावन कृष्ण के लिए तो रस भूमि है, बाकी जगह कोई कर्म भूमि, कोई थोड़ा बहुत गौण लीला की भूमि हो सकता है, लेकिन ब्रज वृंदावन क्या है, उनके लिए रस भूमि है, जन्म भूमि है। तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब प्रकरणतर में चैतन्य महाप्रभु की भाषा में हृदय मंदिर की मार्जन। गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी को बैठाते हैं, यानी अपना हृदय में बैठाने के लिए ठाकुर जी को, अपना हृदय को साफ करने की एक सुजोग है ये गुंडीचा मंदिर मार्जन। इसलिए भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे कि एक दिन में गुंडीचा मंदिर मार्जन नहीं होता है, साल में एक बार, यह हर समय होती है। बाह्यतः केवल झाड़ू के द्वारा मार्जन करना, सफाई करना, पानी के द्वारा धौत करके, प्रक्षालन करके शीतलीकृत करना केवल नहीं है, वो तो हरिनाम के द्वारा रोज ही गुंडीचा मंदिर मार्जन होना चाहिए। और जैसा मार्जन नहीं करने से एक दिन अगर दो दिन छोड़ दिए, जैसा घर हो, कोई भी वस्तु हो, मलिन हो जाता है, इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन अगर निरंतर ना किया जाए तब तो मैला होना वो स्वाभाविक है। इसलिए ये गुंडीचा मंदिर मार्जन केवल हृदय मंदिर की मार्जन है, और प्रार्थना भी उसी प्रकार है कि अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने मने एक करी जानी, ताहा तुमार पद द्वय, कराह जदि उदय, तवे तुमार पूर्ण कृपा मानी। दूसरे का हृदय केवल मन है, लेकिन मोर हृदय वृंदावन, राधारानी कहती है, और उसमें ताहे तुमार पद द्वय, वहां पर आपकी चरण कमल अगर उदय कराओगे तब फिर मैं अपने को, मेरे प्रति आपकी पूर्ण कृपा को मैं अनुभव करूंगा। राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी जिनका नाम थी गुंडीचा, उसके नाम पर ही मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर हुआ कहते हैं।
इसलिए यही मंदिर का मार्जन होती है जगन्नाथ जी जाने से पहला पूर्व दिन। पहले तो गुंडीचा मंदिर को मार्जन राजा के कर्मचारी लोग करते थे, लेकिन जब महाप्रभु पुरी में रहने लगे तो गुंडीचा मर्जन मार्जन जब समय आया तो महाप्रभु स्वयं ये कर्म को करने के लिए परीक्षा को सार्वभौम भट्टाचार्य जो करसी मिश्र को प्रस्ताव दिए बोले राजा को बोल करके झाड़ू मांग लीजिए और कलसी दे दीजिए, हम लोग इंद्रदम्न सरोवर से पानी ला करके उसको झाड़ू करके सफाई करेंगे। तिनी जन पासे प्रभु हासिया कहिलो श्री गुंडीचा मार्जन मंदिर मार्जन सेवा मांगी नेल, गुंडीचा मंदिर मार्जन र सेवा मांग करके खुद लिया, उनको किसने दिया नहीं। इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन स्वयं अपना इच्छा से होती है, किसके बलपूर्वक से द्वारा नहीं हो पाएगा। इसलिए महाप्रभु अपना अनुगत तो लोगों को बोले कि हम लोग गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे। मार्जन कैसे करना चाहिए, साफ सुथरा होकर के, कभी को होता है, लेकिन हम लोग जो जाते हैं गुंडीचा मंदिर बिना नहाए जाएंगे साफ करने के लिए? क्यों जाते हैं? क्योंकि हृदय मंदिर के मार्जन एक पवित्र काम है, तो इसलिए सब वैष्णव लोग सुबह सुबह ही महाप्रभु के स्थान पर गंभीरा पे पहुंचे। महाप्रभु सबको पुष्प और चंदन दिए। उसके बाद महाराज जी कहते थे कि पुष्प चंदन देना मतलब प्रशंसा, उनको पुरस्कार करना, वरण करना। भगवान स्वयं पुष्प चंदन माला दिए। क्यों? अभी तो गुंडीचा मंदिर मार्जन ये लोग किए नहीं, फिर क्यों करते हैं? हाँ, इसलिए करते हैं, ये लोग अपना हृदय मंदिर को मार्जन करने के लिए इच्छा प्रकाश किए। और विशेष करके चारि दिगे सत्य भक्त समार्जन करे, आपने शोधन प्रभु सिखान सवारे, प्रेमोला से सुधेन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। तो गुंडीचा मंदिर को गौर सुंदर पूरा झाड़ुओं के द्वारा साफ किए, सबको लगाए, भक्त लोग को कीर्तन करते गुंडीचा मंदिर में गए और सब लोग सफाई करके पूरा बाहर कर दिया। महाप्रभु स्वयं बोले कि पूरा बाउंड चतुर्पार्श्व के बाहर निकालो, क्योंकि ये भक्ति का जितना अनर्थ इतना दूर तक फेंकना चाहिए, अपना घर में जैसा फिर न आ जाए। इसलिए महाप्रभु ने सबको बोल करके बहिर्वास में बोलते थे, जिनके पास जितना आवर्जना होगा वो उतना अच्छा हृदय मंदिर को साफ किया। सब लोग लेते थे और प्रेमला से शोधन लयन कृष्ण नाम, और शोधन करने के समय कृष्ण नाम कीर्तन करते करते ही शोधन करते थे। दुर्भाग्य की बात है, आज हम लोग पुरी में होते हुए भी इसी प्रकार गुंडीचा मंदिर में जा नहीं पाए। क्या आनंद होता था, सब वैष्णव का दर्शन, सब लोग नृत्य कीर्तन करते हुए जाते थे और वहाँ सब जहाँ देखो वहाँ केवल भक्त लोग को ही दर्शन मिलता था, और मन में क्या आनंद, किस प्रकार उद्दीपना सबके अंदर। और यहाँ से कीर्तन करते, अभी तो वहाँ मार्जन चल रहा होगा और सब भक्त लोग बैठ करके कीर्तन करते थे, हरि कथा होता था, पानी निकाल करके दीजे प्रभारे रस्सी लेके चले जाते थे, नया बाल्टी खरीद करके पानी, और फिर लास्ट में सब महाराज लोग कीर्तन कथा करते थे फिर इंद्रधनुष सरोवर में, और वहाँ पर भी कीर्तन कथा होता था और भक्त लोग और स्नान करते थे फिर नरसिंहदेव के दर्शन बस, फिर वापस आते थे सब लोग कीर्तन करते हुए, और आने के बाद फिर प्रसाद होता था, खीर खाते थे। और आज सब भक्त लोग भी सारी जगह से, सारा वर्ल्ड से भक्त लोग आ जाते थे, सब वैष्णव लोग, क्या करे ईश्वर। तो जगन्नाथ जी, हाँ वाह, इसलिए तिथि तो हर समय आती है, आनंद एक्चुअली भक्त के पास में। ठाकुर जी अभी भी है और तिथि भी है, गुंडीचा मंदिर भी है, लेकिन भक्तों के बिना सब खाली खाली है।
मार्जन लीला भगवान कोई भी काम करे चाहे निंदनीय नीच कर्म होने पर भी वो लीला बन जाता है। जैसा चोरी करना निंदनीय कर्म है लेकिन भगवान ने किया तो क्या बन गया, चौर्य लीला हो गया। युद्ध को छोड़ के जाना क्या है, शोभनीय है। हम सुन रहे थे अर्जुन छोड़ के जाने के लिए बता रहे थे तो कृष्ण बता रहे थे, उनको समझा रहे थे भगवान कृष्ण, लेकिन वो स्वयं जब रण छोड़ के गए क्या बन जाएगा। तब अर्जुन उनको बोले नहीं थे कि प्रभु आप तो रण छोड़ के चले गए थे। हाँ तो ये रणछोड़ जी बन गए ठाकुर जी, एड़े बड़ो घीटा ना से हाथ रू खसी गल पड़ज भांगियो गाच ग्लास टा टल गए काढ़ रखी दे चामंत्री काढ़ी गल पड़ गल गल हाँ मेलो नहीं गया। तो ये इसलिए मार्जन करना छोटा काम है कि बड़ा काम है, जगत में उनको क्या सोचते हैं, नीचे कर्म है, शूद्र लोग करते हैं, चंडाल कुल में जो पैदा हुए वही करते हैं, महंतर लोग बनेंगे। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप और स्वयं भगवान होने के कारण जो भगवान करते हैं वो लीला बन जाता है और श्रवणीय कीर्तन हो जाता है। तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला श्रवणीय कीर्तन हो गया और वो भक्त रूप होने के कारण महाप्रभु वो भी अनुसरणीय हो गया। तो प्रभुपाद अनुभाष्य में कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला की क्या रहस्य है, रहस्य ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जो बोले अन्या भिड़ाशिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये ही गुंडीचा मंदिर मार्जन है, भक्ति साधन ही गुंडीचा मंदिर मार्जन। भक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, चित्त दर्पण को मार्जन किया जाता है। अन्या भिड़ाशिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष को यानी अभिलाष किसको कहते हैं, अन्य अभिलाष किसको कहते हैं, जीव का अपना जो स्वरूप का स्वरूपानुबंधी अभिलाष क्या है, कृष्ण का तात्पर्यमयी सेवा, कृष्ण सुखे का तात्पर्यमयी सेवा। और अन्य अभिलाष क्या है उसको छोड़कर बाकी जितना कृष्ण इतर इंद्रिय तर्पण की वांछा, यानी स्व इंद्रिय तर्पण की वांछा, अपना इंद्रिय को सुख देने वाला जो इच्छा है वही ही अन्य अभिलाषा है। और इसलिए महाप्रभु जब गए क्या क्या निकाल रहे थे, तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया बहिर्वासे लया फैलाय बाहिर करिया प्रभु कहे के कत करिला अच्छ करिया अच्छ समार्जन तृण धूलि देखिले जानी वो परिश्रम। कौन कितना परिश्रम किया तो पता लगेगा, किसको देखने कैसे, तृण को धूलि को इकट्ठा किए घास को इकट्ठा किए। तो यही है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो घास निकाले और धूलि निकाले और कंकड़ निकाले तो क्या है वास्तव, कंकड़ के जो घास क्या है, घास है अन्य अभिलाष जो बहुत दिन से वो मंदिर की शोभा को वर्धन नहीं करते, वो शोभा को मिटा देते हैं। इसलिए अन्य अभिलाष घास के समान है जो अपना जीव की अपना स्वरूप स्वभाव को क्या करता है, स्वरूप सौंदर्यता को नष्ट कर देती है। इसलिए महाप्रभु बोले पहले उसको निकालो, यह है अन्य अभिलाष। और ज्ञान कर्म देना व्रतम, ज्ञान कर्म क्या है, कर्म क्या है? जो धूलि दूसरा निकले, धूलि क्या है, अनादि कर्ममय आवर्त से जो वासना रूपी धूलि चित्त को क्या करता है, चित्त रूपी दर्पण को मलिन बना देता है, ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अपना स्वस्वरूप दर्शन नहीं होता। तो इसलिए ये धूलि है कर्ममय वासना, कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग आदि पद भी प्राप्त करके सुख प्राप्ति की जो इच्छा है वही धूलि के समान है, वो जन्म जन्मांतर से चित्त को आच्छादित करके रखा है। तो उसको निकालना किसके द्वारा, किसके द्वारा धूलि निकालना होगा,
कौन कौन से विकास हाँ पानी झाड़ू से और पानी डाल करके, लेकिन वास्तव में वो क्या है? ये वास्तव में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही वो मार्जन होगा। इसलिए महाप्रभु बताए ना, चेत दर्पण मार्जनम भव महा दाभाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, वो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही होगा। और तीसरा क्या है, जो कंकड़ था उसको निकाले, कहाँ कहाँ रह गया था धूलि निकालने के बाद, जहाँ पर महापुरुष स्वयं पैदल चलते चलते आएंगे पहुंड विजय करके, तो क्या है कंकड़, मुख्य वासना, ज्ञान कर्म, ज्ञान कांड की साधना। ज्ञान कांड में जो मुक्ति है, भगवान कहते हैं मुक्ति भगवान को सूल की तरह विद्ध करता है, तो उसी प्रकार ये जो कंकड़ है वो भगवान के चरण में अगर पैदल आते हैं तो कंकड़ लगेगा, इसलिए महापुरुष को साफ किए। अर्थात स्व सुख वासना जो मुख्य मुक्ति है, मुख्य वासना है, वही ही सबसे खतरनाक है। वो है ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान मार्ग है जो आवृत कर देता है किसको, जीवात्मा की स्वरूप को। और इसलिए महाप्रभु उसको प्रेम नहीं किए, उसको छोड़ दिए, निकाल दिए। फिर ये सब करने के बाद में और कुछ 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 रह जाता है, कहाँ कोने में कहाँ छिप करके रह गया, फिर उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद वो क्या है, चित्त रूपी हृदय मंदिर के अंदर भी छिप छिप कर कहाँ कहाँ रह जाता है, क्या क्या है, कुटीनाटी प्रतिष्ठा सा जीव हिंसन निषिद्धाचार लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, ये सब। कुटीनाटी मतलब क्या है, कपटता। कपटता मतलब क्या, कपटता मतलब सरलता जो नहीं है, जो अंदर है वो बाहर नहीं है, ये बाहर है वो अंदर नहीं, ये कपटता है। वो छिप करके रहता है जीव के हृदय में, पता नहीं चलता। और प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा की आशा मतलब किसी भी प्रकार के ढोंगी करके अपना नाम कमाई करना, जैसा निर्जन भजन, ऐसा कि जड़ीय सम्मान की आशा, पारमार्थिक वस्तु को व्यवहार करते हुए जागतिक लोगों को आकृष्ट करना अपना प्रति, ये क्या है, सब प्रतिष्ठा की आशा है। और जीव हिंसा क्या है, शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए कुंठित होना, ये जीव हिंसा, वास्तव जीव हिंसा है। वास्तव जीव हिंसा कैसे हुआ, राजीव प्रभु बेटा जीव हिंसा के अंदर क्योंकि वो वास्तव जीव हिंसा की, जीव को जीव उद्धार हो सकता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये रस को आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन प्रचार नहीं होने के कारण वो दुर्भाग्य से क्या करेगा, जाकर कोई कर्म का आश्रय लेगा या ज्ञान का आश्रय लेगा तो उनका जीवन का बड़ा क्या दुर्दशा के पहुंच जाएगा। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लाभ पूजा क्या है, लाभ पूजा क्या है कि विग्रह जीवी पांडित्य जीवी भागवत जीवी ही लाभ पूजा है, यानी भागवत को बिक्री करके अपना जंजाल को, अपना विवेक को, अपना जो इसको मनाना व्यवसाय को चलाना, पांडित्य बनकर के विग्रह भेज दिए किसके पास, प्रसाद बिक्री बिक्री करके या कुछ करके, ये है लाभ पूजा। और फिर भी निषिद्धाचार क्या है, निषिद्धाचार है स्त्री संगी, स्त्री संग और क्या, कर्म ज्ञान अभिलाषियों का, अन्य अभिलाषियों का संग, यही वास्तव क्या है निषिद्धाचार, उसको करने के लिए मना किया गया। और सूक्ष्म दाग भी जो महाप्रभु देखते रह जाते कहाँ कहाँ, वो क्या है, वो ये मुख्य वासना लास्ट तक रहता है इसी प्रकार। और इसलिए ये गुंडीचा मंदिर कैसा, महाप्रभु ने स्वयं किया,
गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा मंदिर आत्मा, श्री गुंडीचा मंदिर आत्मा वृंदे समार्जयन, ख्याल न तस गौर स्वचित्तवत शीतल मत कहदल जे रात्रि प्रसाद हो महाप्रसाद कहीं ना आज दी पर जन के प्रसाद अच्छे आगुरी कही दे मैं बाहर को जी कह कौन हेल्ले कथा सर ले मारे कथा कह आउ गाड़ी स्वचित्तवत शीतल उज्जवल च और अपना चित्त को शीतल किए और मुज्ज्वल किए। जैसा इंद्र ने सरोवर से पानी ला करके डाले उसके तरह क्या हुआ मंदिर शीतल हो गया ठंडा हो गया और मार्जन किए मार्जन करके पोछाई किए न से क्या होगा उज्ज्वल हो गया। ऐसा इस चित्त प्रचित्त को भी हरि नाम के द्वारा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए उज्ज्वल होगा चेत दर्पण मार्जन होगा और हरि कथा को श्रवण करके क्या करना चाहिए उसको शीतल करना पड़ेगा। जितने सारी हरि कथा श्रवण करके जब पता लग जाएगा क्या अन्य अभिलाष है क्या जीव हिंसा है क्या क्या है और फिर क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा तो चित्त शांत हो जाएगा। वही वास्तव गुंडीचा मंदिर मार्जन के रहस्य है। आज तिथि है हम लोग तो वहाँ जा नहीं पाए आज लेकिन यहाँ पर हम पूरा अपना मंदिर के जहाँ पर अपना ठाकुर जी बैठे हैं क्या करेंगे सब जगह फिर क्या करेंगे मार्जन करेंगे देखते हैं आज कौन कितना निकालते हैं फिर महाराज निर्णय करेंगे और जिनका दिखेंगे दिखाई देगा तब पता लगेगा वो इतना परिश्रम किया और जो चिटिंग करेगा तो पता लग जाएगा उनका कपड़ा भी कुछ मैला नहीं होगा। ऐसे मैला कपड़ा पहन करके आ जाने से चलेगा नहीं नहीं स्विमिंग पूल साफ नहीं आज सब मंदिर साफ होगा सब ग्लास व्लास सब जगह फ्लोर फ्लोर सब जगह साफ करेंगे जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं मंदिर प्रांगण ये मंदिर है तुमको लागू कि होटल अच्छे हमें ये वास्तव में शुद्ध भक्त की गुरुदेव की यहाँ चरण कमल विराजित है। सब वैष्णव लोग आते हैं यहाँ पर रहते हैं सेवा होती है ठाकुर जी है तो कंस्ट्रक्शन पत्थर की हो सीमेंट की हो दिखाई देने से मंदिर जैसा मंदिर नहीं होता। जहाँ पर वैष्णव का नित्य वास होती है पाठ कीर्तन होता है ठाकुर जी बैठते हैं वही वास्तव में मंदिर है। बाहर को चाहे होटल जैसा दिखाई दे हमारे क्या जाता है हमारे बोर्ड तो ही नहीं है इसलिए बाहर के लोग आने से उल्टा सोचते हैं मंदिर है क्योंकि मृदंग सुनने से आ जाते हैं लेकिन हम लोग रहते रहते कभी कभी सोचते हैं ये होटल है ये मंदिर थोड़ी है नहीं मंदिर वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु हरि बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुंडीचा मंदिर की सचिनंदन गौर हरि की इताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। हाँ आज श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन है यदि जो सेवा है महाप्रभु आने से पहले जो गुंडीचा मंदिर जैसे एक साल तक वो मंदिर पड़ा रहता था क्योंकि ठाकुर जी नहीं जाते थे केवल नौ दिन के लिए जाते हैं सार भल के लिए वो मंदिर वैसे पड़ा रहता था और राजा नौकरों को द्वारा वो मंदिर साफ करा करते थे। लेकिन जब श्री सचिनंदन गौर हरि श्रीमन महाप्रभु आए तो उन्होंने भले ये ठाकुर जी का सेवा है क्योंकि जो गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन है
अभी जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते वो द्वारका है, अभी जगन्नाथ जी द्वारका छोड़ करके जाएंगे, अभी वृंदावन जाएंगे, अभी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन धाम को ठाकुर जी का मंदिर, वो निकुंज मंदिर है श्री गुंडिचा मंदिर, कहते उसको नौकरों को देकर साफ करेंगे, राजा नौकरों को देकर साफ करते थे। महाप्रभु बोले भगवान की सेवा नौकर से नहीं होता है, इसलिए प्रभुपाद एक शब्द प्रयोग करते हैं भृत्यक सेवक, वो किणा हुआ नौकर है। क्यों सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी को, जैसे हम तनख्वाह देकर जैसे ठाकुर को सेवा कराते हैं, 10,000 रुपया अगर महीना में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को सेवा करेंगे, नहीं तो ठाकुर जी को रसोई बनाएंगे, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम ठाकुर को सेवा नहीं करेंगे। इसका मतलब है तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम सेवा कर ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसा के लिए सेवा करते हो। इसलिए एक समय श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का समय पर कुछ लोग आए एक जगह पर, खूब निताई गौर निताई गौर निताई गौर करते करते गए, जब गए इतने में गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले ये जगह का मिट्टी को खोद करके मिट्टी को फेंक दो। बोले क्यों, बोले निताई निताई गौर नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे पैसा पैसा ठका 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 कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे निताई निताई गौर गौर, क्योंकि पैसा दे करके उनको लाए थे हैं, और इसलिए वो निताई गौर कर रहे थे, हरे कृष्ण कर रहे थे, बोले निताई गौर नहीं कर रहे तो पैसा पैसा ठका ठका कर रहे थे, वो जगह अपवित्र हो गया है। इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं भैया ठाकुर का सेवा इसलिए हम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे, इसका मतलब थोड़ी तुम सेवा कर रहे थे, ये तुम सेवा नहीं कर रहे थे हैं। इसलिए श्री इंद्रदुम्न महाराज उसी समय जो प्रताप रुद्र महाराज थे वो नौकरों से सेवा कर रहे थे, इसलिए महाप्रभु जब आए बोलिए नौकरों से मंदिर का सेवा नहीं होता है, ठाकुर का सेवा तो भक्ति से होता है हैं। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरी भवतात भक्ति है, तो कितु ये भक्तों का भावना है, हमें धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर जैसे अहे दुखी बिना कारण के जैसे आपके चरण की जैसे हम सेवा करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले महाराज जी ये सेवा हमें देखो, क्योंकि गुंडिचा मंदिर नहीं वो राधा रानी की निकुंज महल है, राधा रानी की निकुंज महल, इसलिए जब श्याम सुंदर आते हैं तो उसको कौन सजाती है, राधा रानी अपना हाथों से सजाती है, निकुंज का अपना हाथों से सजाती है, इसलिए श्याम सुंदर अपना निकुंज महल में आएंगे और इसको थोड़ी नौकर लोग उसको आकर के उसको साफ करेंगे, इसलिए इसको मैं अपना महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण ही राधा जी की भाव अंकांत लेकर के आए, अभी निकुंज मंदिर तो राधा रानी तो सजाएगी ना, महाप्रभु तो राधा भाव को लेकर के आए, बोले ये नौकर से नहीं सेवा नहीं होगी इसलिए सेवा हमें दिया जाए, मांग करके ले लिया, कौन सा सेवा मांग करके लिया, कभी कभी हम सोचते हैं हमें कोई बड़ी सेवा मिलनी चाहिए, हमें कोई बड़ी सेवा नहीं मिलनी चाहिए, छोटी सेवा नहीं, ये झाड़ू लगाने का सेवा कौन करता है, झाड़ूदार करते हैं, कौन करता है, झाड़ूदार करते हैं, अरे हम लोग झाड़ूदार को क्या बोलते हैं, मेहंदरानी हैं, इसलिए जो एकदम छोटे व्यक्ति हो छोटा सेवा समझते हैं, लेकिन भक्ति जगत में हैं, इसलिए भक्ति जगत में जितना छोटा हम सेवा करेंगे ना हमारे अंदर में उतना दीनता आएगी, उतना दीनता आएगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपना को क्या परिचय दिया, बोले हम नाम हाट का झाड़ूदार हूँ हैं, नाम हाट का मैं झाड़ूदार, उन्होंने ये परिचय देते हैं। और स्वयं श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में कहते हैं बोले जत किंग करी सु बहु स खड़ु काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले जस्या कदा रस निधे वृषभानु जाया तत्केल कुंज भवना गनी मार्जनी स्या। कहती ये तुंगो विद्या सखी ये प्रार्थना करती, क्या करती हैं, बोले जिस निकुंज में श्री किशोरी राधा रानी मान करके बैठे हुए और श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके सखियों से प्रार्थना करते हैं, हमें श्री किशोरी जी से मिला दो,
हैं, लेकिन सखियां क्या करती हैं? बोले नहीं, आज राधा रानी मान की आज अंदर में किसी की प्रवेश नहीं। तो वो कहते हैं जिस कुंज में राधा रानी मान की है, जैसे सखी मंजरी जिस निकुंज को साफ करते हैं जिस झाड़ू से, कहते हो तो झाड़ू का क्या मैं एक सलाका बन पाऊंगा, झाड़ू का एक सलाका क्या बन पाऊंगा? कौन कह रहे हैं? तुमको विद्या सखी कह रहे हैं। मतलब इतने सौभाग्य होगा जिसमें श्याम सुंदर स्वयं आएंगे उसका हम एक सलाका बनेंगे हैं राधा रानी निकुंज मंदिर की। इसलिए श्री श्यामानंद प्रभु हमारे संप्रदाय में, उनको राधा रानी की कृपा मिली कैसे? केवल झाड़ू लगाने से, केवल झाड़ू से वासी। जब झाड़ू लगाते थे जीव गोस्वामी बोले झाड़ू लगाओ, और झाड़ू लगाया करते थे राधा रानी के निकुंज में, और राधा रानी के निकुंज में झाड़ू लगाते लगाते उनको मिला क्या? श्री राधा रानी की कृपा, राधा रानी की नुपुर मिला। अपना हाथों से श्री राधा जी के चरण में उन्होंने नुपुर पहनाए। अब श्री जगन्नाथपुरी में, जिस समय जगन्नाथपुरी में महाप्रभु आए, राजा मिलना चाहते हैं, महाप्रभु बोले विषय से मैं नहीं मिलूंगा, ये विषय राजा है, मेरे अंदर में विषय की भावना आ जाएगी विषय भोग करने की। इतने में राजा बड़े दुखी हो गए हैं, दुखी हो गए। लेकिन रथ यात्रा में महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए, हमारा छेरा भरा होता है ना, राजा स्वयं आकर के झाड़ू लगाते हैं। लेकिन देखा राजा स्वयं हैं, इंद्रदुम्न प्रताप रुद्र महाराज साधारण एक वस्त्र पहन करके सभी प्रजाओं को सामने झाड़ू लगा रहे हैं। इसको देख करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले उत्तम हया करे अधम सेवन, अतएव तुम्ही हो जगन्नाथ कृपा राजा। बोले कहा उत्तम, कहा राजा, लेकिन कर रहे हैं क्या? बोले अधम सेवन, झाड़ू लगा रहे, झाड़ूदार का सेवा। क्यों? जगन्नाथ जी कौन है? स्वयं श्री महाप्रभु जगन्नाथ है, इसलिए मेरे सेवा के लिए इतना बड़ा अभिमान त्याग करके झाड़ू लगाते हैं। महाप्रभु खुश हो गए, बोले जरूर मैं तुमको दर्शन दूंगा, मैं सोच रहा था तुमको दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन तुमने मेरे हृदय को घर भी कर लिया है। इसलिए महाप्रभु जिस समय रथ यात्रा को सामने राधा भाव में विभावित तो होकर के सही तो प्राणनाथ पायनो जहाँ लागे मदन तहन झुरी गण है, वही प्राण प्रियतम को हम कुरुक्षेत्र में मिले। अब ये रथ नहीं, राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में श्री श्याम सुंदर को बैठा करके द्वारका कुरुक्षेत्र से उनको वृंदावन ले जा रहे। महाप्रभु इसी भाव से ही रथ को खींचते थे महाप्रभु हैं। इसलिए चलते चलते जहाँ पर जगन्नाथ पल्लव वाटिका, जहाँ पर राय रामानंद रहते थे, जब वहीं पर आते थे वहीं पर मंदिर जगन्नाथ जी रुकते थे, और वहीं पर जगन्नाथ जी को बहुत तरह तरह का भोग लगता है, बड़े सुंदर सुंदर भोग लगता है, और वहीं पर महाप्रभु राधा जी के भाव में विभावित तो होकर के वहीं पर कैसे महाप्रभु एक पेड़ को जड़ में सर पर सर रखकर सो रहे हैं। भावना क्या है? जब कृष्ण रासलीला करते करते जिस समय राधा रानी की मान हो गई, कृष्ण सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, गोपियों की सौभाग्य मद हुई, और श्याम सुंदर कैसे हैं राधा रानी की मान को मनाने के लिए और गोपियों की सौभाग्य मद दूर करने के लिए कैसे राधा रानी को लेकर चले गए, बाद में श्री राधा जी को कैसे छोड़ करके चले गए, और राधा रानी कैसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कैसे वो विरह में कैसे तड़प रही है, उसी भाव उस समय श्री महाप्रभु का भावना है हैं श्याम सुंदर कैसे मिले। इतने में महाप्रभु जब शयन कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु का जितने भक्त लोग थे ना, सब राजा के ऊपर प्रसन्न थे। क्यों? राजा सब वैष्णव का सेवा करते थे, सभी को महाप्रसाद की व्यवस्था करते थे, सभी के लिए रुकने की व्यवस्था, हर तरह से सेवा करते थे। इसलिए हर भक्त चाहते थे महाप्रभु जरूर प्रताप रुद्र को कृपा करें, और भक्त लोग अगर चाहते हैं फिर कृपा तो होगी नहीं, जरूर होगी, इसलिए भक्त लोगों की यही वासना है। इसलिए महाप्रभु को, महाप्रभु जब शयन कर रहे थे, इतने में जितने महाप्रभु के भक्त लोग थे राजा को जल्दी जल्दी बोले, बोले महाराज जल्दी जल्दी आओ और राज पोशाक को त्याग करो और एक साधारण पोशाक को पहनो और पहन करके जाओ चैतन्य महाप्रभु का चरण की सेवा करो और ये गोपी गीत को गाओ। जब महाराज गोपी गीत को गाए हैं, गोपी गीत को गाते गाते जब उन्होंने बोले तब कथा अमृत तप्त जी बना
सीताम कलमसापम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भुविन्द्रिणन्ति ते भोरिदायनम। जो उन्होंने ये श्लोक बोले महाप्रभु इतने खुश हो गए। क्यों? महाप्रभु अभी राधा भाव में विभावित है, इसलिए कहते तप कथा अमृतम। जब अत्यंत विरह अवस्था हो उसी समय भगवान की जो कथा है ना, और जो भगवान एक ही वस्तु, भगवान और उनका कथा वही एक ही वस्तु है। जब अत्यंत विरह अवस्था में हो उसी समय में भी अगर कोई ये विरह को दूर कर सकता है, आनंद दे सकता है, कौन है? बोले तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा ही आनंद दे सकती है। क्यों? कृष्ण कृष्ण कथा में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। इसलिए महाप्रभु इतने खुश हो गए। क्यों? राधा जी की बाब में लेटे हुए थे, उन्होंने खुश होकर के बोले किसने मेरे को ये अमृत पिलाया, किसने मेरे को ये अमृत पिलाया। महाप्रभु प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रताप रुद्र का आलिंगन किया, हैं, बोले तुमने अमृत मेरे को पिलाया, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्यों, महाप्रभु बोल रहे थे दर्शन नहीं देंगे, आज क्या कर रहे हैं? उनका आलिंगन दे रहे हैं और उनका चरण की सेवा कर रहे हैं। बोले इसीलिए कारण है झाड़ू लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने झाड़ू लगा रहे थे। बोले ये झाड़ू लगाने का जो सेवा है ना, इतने उत्कृष्ट सेवा, श्री झाड़ू लगाने का इतने महत्व है, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, ये झाड़ू लगाने का सेवा को मांग करके लिया, छोटे सेवा को मांग करके लिया। और उसका उदाहरण देते हैं, आप लोगों को पता है सब ओडिशा वासी है। जैसे पहले हैं जिस पुरुषोत्तम जेना की जब राजोत्त था उस समय कांची राजा की एक बेटी थी, और बेटी को साथ में राजा की शादी की बात चल रही थी, हैं, बोल रहे थे पूरी राजा से पुरुषोत्तम देव को अपना बेटी प्रदान करके राजकुमारी। उनको पता चला पुरी में सबसे जो बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा है, वो देखने के लिए आया कैसे ये रथ यात्रा राजा बनाते हैं। आकर के उसने क्या देखा, राजा सबको सामने झाड़ू लगा, बोले क्या ये मेरे जो दामाद बनेगा झाड़ूदार, अगर मेरे परिवार के लोग आएंगे देखने के लिए तुम्हारे दामाद क्या करता है, अगर आकर के देखे मेरे दामाद सबको सामने कहाँ राजा जी राजा होकर के झाड़ू लगा रहे हैं, हे भगवान ये तो मेरे नाक कान कट जाएगी, मैं अपना बेटी को झाड़ूदार से मैं शादी नहीं दिला सकता हूँ। दुखी होकर चले, शादी का बात बंद कर दिया। राजा बोले भैया क्या हो गया, शादी की बात चल रही थी करके बात कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कर रहे। तब एक दूत को भेजा, देखो तो। जब राजा को पास में गए, राजा बोले भैया मैं झाड़ूदार से अपना बेटी को नहीं दे सकता हूँ, इतना बड़ा मेरा नाम है, झाड़ूदार से मैं अपना राजकुमार की शादी कराऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, झाड़ूदार को दिया भैया नहीं दे सकता हूँ। वो आया दूत और ये बात बोल दिया राजा को, राजा को तो बड़ा अपमान बोध हुआ। बोले हाँ मैं झाड़ूदार तो हूँ, लेकिन किसका झाड़ूदार? बोले जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ, है, जिनकी सेवा ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित तपत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत में, जिनकी चरण को स्वयं बलदेव प्रभु लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर सारे इंद्र चंद्र जिनकी चरण की सेवा करते हैं, लक्ष्मी हर समय जिनकी चरण को गोद में लेकर बैठती हैं, कहते उनका मैं झाड़ूदार हूँ, मैं तो बड़ा भाग्य मानता हूँ, ठाकुर जी कृपा करके मेरी सभी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। बोले उसको ठीक है, जाओ उसको बोलो कल राजा तुम्हारे साथ में युद्ध करने के लिए आएंगे और परास्त करके तुम्हारी बेटी को लेकर के झाड़ूदार से शादी कराएंगे, और उनका अंदर में शर्त रहा अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरा इष्ट जगन्नाथ जी और उसका इष्ट भंड गणेश है। बोले मेरी इष्ट अगर तुम्हारी इष्ट को पीछे बैठने, अगर तू हार जाओगे ना तेरे इष्ट मेरे ठाकुर के पीछे बैठेगी। उनके अंदर में शर्त रहा, राजा गए घमासान युद्ध हुई, युद्ध करते 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 दिन भर युद्ध होते रहा, लेकिन उसको पास में जो भंड गणेश था ना, आप देखना मंदिर को पीछे, उसको गोद में एक सीधी देवी बैठी थी, उसकी एक चमत्कारिता थी, राजा जितने सैनिक मारते थे वो उतना सैनिक प्रसव करती थी, प्रसव करती थी। इसलिए राजा दिन भर युद्ध करते करते थक गए, लेकिन किसी तरह से परास्त नहीं कर पाए, शाम को वापस आ गए, वापस आकर सीधा जगन्नाथ जी के पास में गए। बोले ठाकुर जी
मैं केवल आपकी सेवा करता हूँ, मेरे को उसने झाड़ूदार बोला, और आपका मैं झाड़ूदार हूँ, साधारण व्यक्ति का झाड़ूदार हूँ, अगर मेरी हार होगी ना, हार आपकी हुई, आप याद रखो, आपको जाकर के उसका भंड गणेश का पीछे बैठना पड़ेगा आपको, ये चीज को याद रखो। इसलिए ये मेरी जय नहीं तुम्हारी जय, मेरी परजय तुम्हारी पराजय है। जब उन्होंने बोल कर कहा ना, जब राजा सो गए, स्वप्न जगन्नाथ जी आए, बोले चिंता मत करो, कल हम दोनों भैया हम जाएंगे युद्ध करने के हैं कृष्ण बलराम। और सचमुच से एकदम सवेरे सवेरे होते होते ही कृष्ण बलराम उठे दोनों भैया, और अस्त्र शस्त्र को साथ में सज धज करके, और काले और सफेद घोड़े में बैठ कर कृष्ण बलराम कांचे विजय किया। और चलते चलते किसी को ऊपर में कृपा करना चाहिए था भगवान को, बोले भैया बड़े भूख लग रहा है, अब बीच में मानकी है, मानकी ग्वालिन वाले वाले माता जी हमें थोड़ा दूध दही पिलाओगे, देखा बड़े सुंदर बालक है श्याम गौर रंग के, बोले नहीं पिलाऊंगे तो किसको पिलाऊंगी, बात दोनों भाई तो दूध दही खाने में मस्त है, मतलब उनका आदत है, जितना उसको दही था ना, दोनों भैया सबके सब दही खा लिए, बोले पैसा दो, बोले इधर उधर झांकने लगे, बोले झांक रहे हो क्या, पैसा निकला, बोले पैसा है ही नहीं, बोले इसी से दो पैसा मैं रोजगार करती हूँ, मेरी संसार चलता है, खाने से पहले सोचा ही नहीं, खाने के बाद में झांक रहे उधर उधर, निकालो पैसा। तो उन्होंने हीरे का अंगूठी जो था है, हीरे का अंगूठी निकाल करके दिया, बोले देखो पीछे राजा आ रहे हैं, पीछे पुरुषोत्तम जेना राजा आ रहे हैं, आप बोलना आपका दो सैनिक आगे गए हैं और दही खा कर गए, पैसा नहीं दिया, और उनको ये मुद्रिका दिखा ना, वो समझ जाएंगे। इतने में सचमुच से देखा, थोड़ी देर बाद में राजा धूल उड़ाते हुए सैन्य सामंत को साथ में आ रहे हैं, और ये ग्वालिन बीच में खड़े होकर बोले महाराज रुको रुको रुको, रोक दिया, बोले क्या बात है, बोले आपका दो सैनिक पहले गए हैं और उन्होंने मेरे सारे दही खा लिया, पैसा नहीं दिया, और देखो ये पत्थर देकर गए हाँ, लेकिन हीरे का अंगूठी था, उसको क्या पता हीरे का अंगूठी है, पत्थर देकर गए, बोले कहाँ है, दिखाया तो देखा राजा का जगन्नाथ जी का अपना हाथ का अंगूठी, जगन्नाथ जी का अपना हाथ की हीरे का अंगूठी राजा जो पहनाया था, उसको देख करके तो प्रेम में गदगद हो गए, और उन्होंने घोड़े से उतरे, उनके चरण छुए, बोले तू कितने भाग्यवान हो हैं, वो स्वयं जगन्नाथ जी, इसलिए बोले देखो तुम यहाँ से देखो जितना दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, उतना दूर तक आज से तुम यहाँ के रानी बनोगे। उनकी झोली हीरे जवाहरात से झोली भर दिया है, और जब पहुंचे वहां पर देखा स्वयं जगन्नाथ और बलदेव प्रभु युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते जितने मार रहे हैं उतना सैनिक आ रहे हैं, उतना सैनिक, बोले ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, पता लगाया तो देखा उसकी गोद में जो बैठी हुई, उनके गणेश जी की गोद में जो सिद्धि देवी बैठी हुई, ये उसकी चमत्कार था। राजा जगन्नाथ जी तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने धनुष उठाया गणेश जी के ऊपर में, बोले गणेश अगर ये बंद नहीं करोगे तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। जगन्नाथ जब धनुष उठाया गणेश जी के ऊपर, जगन्नाथ जी काम उठे, तब उन्होंने अपना सूर से उसका प्रसव स्थान को बंद कर दिया। आप देखना ऐसे मुझे मूर्ति ऐसे ठीक ऐसे ही है, प्रसव स्थान को उन्होंने बंद कर दिया, सैनिक सृष्टि बंद हो गया। फिर जगन्नाथ बलदेव राजा को परास्त करके उन्होंने वहां से चार चीज लेकर के आए थे, कहते एक तो मयूर सिंहासन जो ब्रिटिश ने ले गया बाद में, दूसरा चीज भंड गणेश लाए, तीसरा चीज वहां से जो गोपीनाथ हैं कहते राधा कांतों को लेकर के आए जो गंभीरा में, और चौथा चीज उनकी जो राजकुमारी थी और राजकुमारी को लेकर के आए, और ला करके भंड गणेश अभी जगन्नाथ जी के मंदिर को पीछे बैठे हुए, और राजकुमारी को लाए, और ये राजकुमारी को उन्होंने मंत्री को दिया, बोले महामंत्री इसको किसी अच्छे किसी झाड़ूदार से शादी करा कर, मंत्री तो बड़े चालाक होते हैं, बोले भैया ये तो राजकुमारी है, राजा को साथ में शादी का बात थी लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाई, कह रहे किसी झाड़ूदार से शादी कैसे कराए, इसलिए बड़े चतुर बोले इसको छुपा कर रखे, तो उन्होंने छुपा करके एक साल तक रखे। जब फिर जगन्नाथ जी रथ यात्रा आया, राजा फिर जगन्नाथ जी को सामने झाड़ू लगा रहे थे, इसको बड़ी सुंदर दुल्हनी बना करके पालकी में बैठा करके गाजे बाजा को साथ में लेकर गए, बोले जाओ राजा के गले में ये बरमाला डाल दो। जब उन्होंने बरमाला डाले राजा बिगड़ गए, बोले महामंत्री मैंने कहा था किसी झाड़ूदार से शादी कराने के लिए, बोले आपसे बड़ा झाड़ूदार कोई हो सकता है, अब झाड़ूदार से बताया ना,
अभी तो हम झाड़ू लगा रहे ना, अब तो झाड़ूदार, आपसे कोई बड़े झाड़ूदार हो सकता है? जब बोले राजा चुप हो गए, तब उन्होंने स्वीकार किया। देखो यहाँ दिखा रहे हैं ये झाड़ू लगाने का सेवा की कितने महत्व है। झाड़ू लगाया इसलिए जिनके लिए स्वयं क्या हुआ, कृष्ण बलराम दोनों भैया राजा के लिए युद्ध करने के लिए। बोले झाड़ू लगाने का इतना महत्व है इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, स्वयं झाड़ू लगाने का सेवा मांग करके लिए, और स्वयं अपना परिकरों को साथ में, कौन कौन थे, स्वयं कृष्ण जगन्नाथ जी का मंत्री जगन्नाथ साहब कर रहे हैं, दाऊ भैया स्वयं उनको साथ में, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, सुभाष पंडित, स्वरूप दामोदर, ये सब के सब महाप्रभु के साथ में, ललिता विशाखा, सब के सब झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ, राधा रानी के निकुंज मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हैं? इसलिए कि झाड़ू लगाने का सेवा कहते हैं। जो जितने मंदिर में छोटा सेवा करेगा ना, बर्तन साफ करेगा, मंदिर साफ करेगा, लाटरी साफ करेगा, कहते साफ तो करेंगे मंदिर को, लेकिन क्या साफ हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगी, हैं? इसलिए हमारे गौड़िया मठ में नियम है, जब पहले कोई आते हैं ना, उनको मंदिर सेवा, हाँ, लाटरी सेवा, मंदिर का सेवा, बर्तन सेवा, ये सब वैष्णव का आसन दो, उनका प्रसाद का स्थान को साफ करो, क्योंकि ये मंदिर नहीं, प्रभुपाद कहते ये गौड़िया मठ नहीं, राधा रानी का निकुंज मंदिर है। राधा रानी की ये निकुंज मंदिर ही है, मैंने राधे जी का निकुंज मंदिर को यहाँ पर मैंने स्थापन किया है, इसलिए महाप्रभु जो कर रहे थे। लेकिन बोले देखो पता कैसे चलेगा कौन कितना साफ किया, बोले धूल को एकत्रित करो, जितने भक्त थे उनका धूल को एकत्रित किया गया, और महाप्रभु का धूल जब एकत्रित किया ना, सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ प्रश्न होता है, क्या महाप्रभु इतना साफ किया और इतना सारे भक्त साफ कर रहे थे, इनका और इनका धूल महाप्रभु का ज्यादा कैसे हो गया, कारण क्या है? तो इसका कारण कहते हैं राधा, महाप्रभु जो सेवा कर रहे थे किस भाव से, राधा रानी कैसे श्याम सुंदर का निकुंज को साफ, राधा रानी स्वयं सजा रहे हैं श्याम सुंदर के लिए निकुंज मंदिर। अभी राधा रानी जैसे सेवा कर सकती हैं, सब मिलकर के थोड़ी इतना कर सकते हैं, हाँ, राधा जी का साथ में और किसको थोड़ी, इसलिए अनया राधा नुनम, इसलिए सुखदेव क्या कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ सेवा किसने की, राधा रानी, जिस वजह से श्याम सुंदर सबको छोड़ कर किसको लेकर गए, श्री राधा जी को लेकर के जाते हैं रास से, है? इसलिए बोले देखो जो कम करेगा ना उसको दंड देंगे। बोले क्या दंड देंगे, बोले उनको सबका वैष्णव का प्रसाद देना पड़ेगा। बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है मंदिर साफ मतलब होता है अपना हृदय रूप मंदिर साफ है, इसलिए जो अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ नहीं करेगा। महाप्रभु मीठी मीठी भाषा से वर्तन कर रहे थे और सिखा रहे थे, और जो अच्छे तरह से कर रहे थे उनको बोल रहे थे देखो तुम्ही भालो करिया चो सिखाया हमारे। बोले इसका मतलब क्या है, बोले ये हृदय रूपी मंदिर को जो अच्छे तरह से साफ करते हैं उनको सिखा देते हैं, तुम भी साफ करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्या करो, खुद भी भक्ति करो, हैं, और दूसरों को भी भगवान के भजन में दूसरों को भी लगाओ, है, तुम लोग भी भगवान की भजन करो, और जो नहीं ठीक से करेगा उसको दंड क्या है, वैष्णव सेवा। बोले तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है जब तक हम वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, है, सुकृत नहीं होगा, और जब तक सुकृत नहीं होगा ना तब तक क्या होगा, तब तक भजन में हमारी मन नहीं लगेगी, है, इसलिए क्या करो, महाप्रभु बोले वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे से कृष्ण चरण। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे थे, अपना हाथों से तो सेवा कर रहे थे और मुंह में क्या कर रहे थे, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, शिक्षा क्या दिया है, इसलिए जो दो महाप्रभु बोले दो करो, एक वैष्णव सेवा और एक नाम संकीर्तन, ये दोनों से ही हमें कृष्ण प्राप्ति होगा। इसलिए महाप्रभु ये लीला को द्वारा बहुत बहुत शिक्षा दिया आज श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन। इसलिए हमारे गुरुदेव वैष्णव लोग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे गुंडीचा मंदिर को जैसे हम भी अच्छे तरह से साफ कर पाए, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्री महाप्रभु की, बोले जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ चलो अभी हम जाएंगे, हम भी मंदिर वाचन करेंगे, ठीक है, मंदिर को, ये मंदिर है इसलिए पहले ठाकुर जी का मंदिर को ऊपर नीचे बाहर सब मिल करके अभी साफ करेंगे, चलो ठीक है।